हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज्ज़ा बर्गर तैयार करने वाले हैं। ये सिंगल पिज्ज़ा बर्गर है जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी घर पर बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बाहर वाले पिज्ज़ा बर्गर से बहुत ही बेहतर बनता है। तो ये रेसिपी आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है चिकन ब्रेस्ट, ये होल चिकन ब्रेस्ट है जिसका हमने बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और फिर इसकी पतली पतली लेयर्स कट कर लेनी है। इस तरह से इसकी पतली लेयर्स हम कट कर लेंगे और इस सब चिकन को इसी तरह से कट करके लेयर्स में रख लेंगे। इसके बाद हमने मीट मैलेट की मदद से इसको थोड़ा सा टेंडर कर लेना है और इन सब चिकन को सामने से और पीछे से दोनों साइड से टेंडर कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सब चिकन को टेंडर कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पाउडर। आप लहसुन अदरक कुटा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 टेबलस्पून है। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, या अपने जायके के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टेबलस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस क्रिस्पी चिकन का। साथ ही हम इस पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, पिंक सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, या आप रेगुलर सॉल्ट भी इसमें डाल सकते हैं, नमक। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं विनीगर, ये है 1 टेबलस्पून। इसी के साथ ये है ऑयस्टर सॉस, ये है 1 टेबलस्पून, से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। साथ ही चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से तमाम चिकन पर अच्छे से इसको लगा देंगे। तो ये सब मिक्स करने के बाद अब हम इस पर लगा रहे हैं कुकिंग ऑयल, जो कि है 2 टेबलस्पून। इसको लगाकर अच्छे से हाथों की मदद से इस तमाम चिकन पर इस मसाले को अच्छे तरीके से और ऑयल को लगा लेंगे। और इसको हमने कवर कर लेना है प्लास्टिक रैप की मदद से। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम इसके लिए एक अच्छे से लिक्विड तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा, जो कि है 1/2 कप, आधा कप मैदा है। और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इस पानी को हमने आधा आधा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। साथ ही इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर अब हम मैदा तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 से 5 कप मैदा लिया है। इसमें हमने चावल का आटा डाला है 1/2 कप, साथ ही इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, साथ ही इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, अदरक पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, साथ ही ये हम इसमें डाल रहे हैं ऑरिगेनो, जो कि है 1 टेबलस्पून। इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इस आटे को भी जो है वो हम साइड पर रख देंगे। अब जो है हम ज़बरदस्त सा सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जो है वो मेयोनीज़ ली है और इसमें 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाला है, या आप केचप भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड सॉस, जो कि है 1 टेबलस्पून, ज़्यादा मत डालिएगा, इससे टेस्ट आपका ख़राब हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सॉस जो है वो ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारी सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी हैं, चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो अब इसको हम प्लास्टिक रैप हटा लेंगे और इसको कोटिंग करके रखते जाएंगे। सबसे पहले एक चिकन का पीस लेंगे और इसको मैदे में कोट करेंगे।
साथ ही हमने जो लिक्विड बनाया था उसमें इसको डिप करेंगे अच्छे तरीके से और सेकंड लेयर इसकी लगाएंगे। जितनी ज़्यादा आप इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे उतने ज़्यादा ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाता है, तो आपने लेयर्स का लाजमी ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से इस पे मैदे की कोटिंग करनी है जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल कोट होके तैयार हो गया है। ऐसे ही सब चिकन को कोट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे चिकन को जो है कोटिंग करके यहाँ पर रख लिया है। अब हमने जो है ऑयल गरम कर लिया है जो हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है, ज़्यादा गरम नहीं किया क्योंकि उससे जो है हमारे चिकन का बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से वो नहीं पकेगी। इस तरह से आपने मैदे को डाल के इसको चेक करना है ऑयल, इस तरह से आपके बबल्स आएंगे तो हमारा जो ऑयल है वो कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई करने में। तो इसी तरह से सारे चिकन को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हमारा जो चिकन है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे और साथ ही बाकी बैच जो है वो डालते जाएंगे और उसको फ्राई करके रख लेंगे। तो ये सारा चिकन जो है वो हमने बनाकर रेडी कर लिया है, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बर्गर बंस लिए हैं, इसके ऊपर हमने जो ज़बरदस्त सॉस बनाया है वो लगाएंगे। नीचे वाली साइड पे सॉस लगाएंगे। और साथ ही हम इस पर रख रहे हैं सलाद पत्ता। इसके ऊपर हम क्रिस्पी चिकन का पीस रखेंगे, इसको आप कट करके भी रख सकते हैं, जितने आपके बर्गर का साइज़ है उतने आप उस हिसाब से रख सकते हैं। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं दोबारा से सॉस, जितना आप लगाना चाहते हैं उतना आप लगा सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ ही हम इस पर रख रहे हैं चीज़ का स्लाइस, ये चेडर चीज़ का स्लाइस है, आप मोज़रेला चीज़ का स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इस पर डाल रहे हैं ओरिगैनो जो कि है 1/2 टेबल स्पून लगाना है दोनों पे। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो अब जो हम पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं तो इसके लिए हमने इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी चीज़ का स्लाइस रखा है, इसके ऊपर हम लग रहे हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं। इन दोनों बर्गर्स पे ब्लैक ऑलिव्स रख देंगे। साथ ही इस पे डालेंगे ओरिगैनो। और कुटी हुई लाल मिर्च एक चुटकी बस इस पे डालनी है, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसको हमने करना है माइक्रोवेव तकरीबन 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप किसी पैन में भी इसको कर सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद हमारे जो चिकन पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो बनकर ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इस सॉस की रेसिपी जो है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमने यहाँ पर रखे हैं थोड़ी सी चिकन फ्राई करके रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी बनती है। तो आप इस मसाले में ये क्रिस्पी चिकन भी बना सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।